हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है हमने देखा था, इसके बाद में हमने क्रेमर्स रूल भी देखा था। अभी हम क्या देखने वाले, उसके प्रॉपर्टीज, कुछ डिटरमिनेंट्स के। अभी काम करेंगे, जैसे हम देखते हैं कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, राइट, कि वो कैसे आता है। तो हर बार डुप्लीकेट काम ना करना पड़े, इसलिए एक ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालेंगे और एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेंगे हम लोग। फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकाल के एक एक प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। ओके, चलो। तो अगर ये कुछ गैप की वजह से किसी का डिटरमिनेंट निकालने का भी कुछ भूल गए होंगे कुछ लोग, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। चलो, तो ये हेडिंग डालो मैट्रिसेस के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, और ये प्रॉपर्टीज देखने के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स का निकाल के रखेंगे। ओके, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये कुछ नहीं, हम लोग जो भी हमारी इच्छा से ले सकते। तो यहाँ पे हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है, 10, 20, 30, 40, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये याद रखो आप, ठीक है। इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लो कितना आते हैं। 10, 20, 30, 40 का डिटरमिनेंट देखो कितना आ रहा है। निकाल लिया, देखो क्या आ रहा है, 40 × 10, या प्रॉपर वे से लिख लो 10 × 40, 10 × 40 − 20 × 30 कितना आ रहा है, 400 − 600 कितना आ गया, −200, ठीक है। ये अभी हर बार के लिए अपने पास ये ओरिजिनल डेटा रहेगा कि ये 10, 20, 30, 40 का जो डिटरमिनेंट आता है वो −200। अभी इसके ऊपर हम एक 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 प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, पहले इतना हो गया कि फिर मैं एक 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 प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पे। चलो लिख लो ये, ओके, मिटा दो। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी लिखो, इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज्ड, और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज लिख लो आप बराबर, ठीक है, इंटरचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस साइन। तो नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट क्या था, 10, 20, 30, 40, अभी हम क्या करते हैं, टू रोज आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 10, इधर लिखो 20, इधर 30, इधर लिखो 40। क्या चेंज किया हमने यहाँ पे, कॉलम चेंज कर दिया, है ना, कॉलम चेंज किया ना। ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल क्या हमारा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाहिए तो 10, 20, 30, 40। हमने क्या कर दिया, कॉलम चेंज कर दिया, 20, 40 इधर ले लिया, 10, 30 इधर ले लिया। अभी चलो कैलकुलेट करो क्या आता है, 30 × 20 = 600, ये भी कर लो क्या, 600 − 40 × 10 = 400 = 200। पहले का क्या आया था, −200 आया था, ये क्या आ रहा है, +200। तो क्या हो गया, वैल्यू सेम रही, नंबर सेम रहा, सिर्फ क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, राइट। अभी देखते हो रो चेंज करके, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे लिखो कॉलम इंटरचेंज, इधर लिखो रो इंटरचेंज। अब यहाँ पे रो में क्या हुआ, अभी ये सेकेंड रो है 30, 40, ये पहले ले लेंगे, पहला रो लिखेंगे 30 40
फोर टी, दूसरा रूल लिखो टेन ट्वेंटी, टेन ट्वेंटी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, थर्टी इंटू ट्वेंटी 600 माइनस 40 इंटू टेन 400 इज इक्वल टू 200। देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। ये आपको कंपेयर इससे करना है, कंपेयर इससे करने, इससे कंपेयर मत करो, इससे कंपेयर करो। इसका हमने क्या कर दिया, पहले कॉलम चेंज कर दिया, ये वो सिचुएशन, फिर हमने रो चेंज किया इसका, ये सिचुएशन। इस डिटर्मिनेंट, ये इसका क्या आ रहा था डिटर्मिनेंट, माइनस 200 है ना, इसका माइनस 200 आ रहा था। ये दोनों में भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, करेक्ट। तो ये इस तरीके से साइन चेंज करते हैं, ठीक है। चलो लिखो इसको फटाफट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो सेकंड, इसको मिटाओ, कुछ बाकी है तो लिखो फटाफट, मिटाओ। अच्छा आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ये तीन रोज का, थ्री बाय थ्री का अगर मैट्रिक्स है तो वहां पे वर्क करेगा कि, यस वहां पे भी ये वर्क करेगा। वहां पे भी कोई भी दो रोज है, वहां पे तीन रो के अंदर चेंज मत करो, वहां पे कोई भी रो, जैसे पहला दूसरा रो चेंज कर लो, या दूसरा तीसरा रो इंटरचेंज करो, या पहला दूसरा कॉलम इंटरचेंज कर लो, दूसरा तीसरा कॉलम इंटरचेंज कर लो, कोई भी कर लो, वहां पे भी ये वर्क करेगा, ठीक है। वहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा, तो थ्री बाय थ्री का आप ट्राई करो, ठीक है। सेकंड लिखो, इफ इफ नहीं ऐसा लिखो, determinant of transpose matrix, determinant of transpose matrix is same as that of ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। ओरिजिनल मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम आता है। अब यहां पे 10, 20, 30, 40 का क्या आ रहा था डिटरमिनेंट, माइनस 200, इसका ट्रांसपोज बनो, क्या रहे ट्रांसपोज, देखो 10 नीचे आएगा 20, यहां आएगा 30, यहां आएगा 40, करेक्ट। इसका देखो डिटरमिनेंट क्या आता है, 40 इंटू 10 या 10 इंटू 40 400 माइनस 30 इंटू 20 600 इज इक्वल टू माइनस 200, देखा सेम रहा, डिटरमिनेंट चेंज किया ना आपने, ट्रांसपोज किया यहाँ पे, देखो ये पहला रो 10 20, यहाँ पे पहला कॉलम है 10 20, यहाँ पे पहला कॉलम, सॉरी दूसरा रो 30 40, यहाँ पे दूसरा कॉलम 30 40, तो आपने ट्रांसपोज किया है उसको, बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स, ये थ्री बाय थ्री पे भी वर्क करने वाले, थ्री बाय थ्री पे भी ये अप्लाई करेगा, बट ये फटाफट आपको समझने के लिए सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए थ्री बाय थ्री पे भी ट्राई करके देख सकते हो, करेक्ट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, ठीक है, सिंपल है ना एकदम, कुछ भी नहीं, ट्रांसपोज करो। तो अब ये कहाँ पे काम आने वाले आपको, जैसे अभी एक्सरसाइज में तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं इसके ऊपर, बट मान लो आपको कोई क्वेश्चन आया है, सर मैट्रिक्स दिया एक्स वाई पी क्यू, बोला इसका जो है डिटर्मिनेंट आ रहा है 100, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 100 एक्स वाई पी क्यू का। अभी आपको कुछ डिटर्मिनेंट पूछे, जैसे कि आपको पूछा बताओ हमें वाई क्यू एक्स पी, इसका डिटर्मिनेंट क्या है। अभी आपको मालूम नहीं नंबर्स, तो आप कैलकुलेट तो कर ही नहीं पाओगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे रो इंटरचेंज किया, यहाँ पे है ना एक्सपी, यहाँ पे पहला रो था, यहाँ पे दूसरा रो, सॉरी कॉलम,
एक्सपी यहाँ पे पहला कॉलम था, यहाँ पे दूसरा कॉलम बन गया, ये वाई क्यू यहाँ पे सेकंड कॉलम था, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम बन गया। तो कॉलम अगर इंटरचेंज हो गए तो क्या होता है बच्चों, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, डिटरमिनेंट -100। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे रो इंटरचेंज कर देते थे तो भी साइन चेंज हो जाता था। अगर ट्रांसपोज बना देते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहती थी सेम, है ना। तो ये अपन को ये यहाँ पे इसलिए याद रखने प्रॉपर्टीज। ओके चलो मिटाओ क्या। अभी लिखो इफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय के देन डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय किसी एक ही रो को। अभी ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो पहला कॉलम है 10 30 वाला, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, कितने से, 2 से। ठीक है, क्या आता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 into 2 20, 30 into 2 60, बाकी का वैसे रहेगा 20 40। क्या आता है डिटरमिनेंट देखो, 40 into 20 कितना आ रहा है 800, माइनस 60 into 20 कितना आता है 1200, है ना, 60 × 20 1200 कितना आ रहा है, -400। देखा ये -200 आया था, ये -400। तो डिटरमिनेंट को भी आप सिंपली -2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे डायरेक्टली, राइट, समझा गया। लिखो ये क्विकली, फिर हम यहां पे दूसरे रो को भी करके देखेंगे अभी। ठीक है, इसको लिखो अभी, लिखा नेक्स्ट क्या करो, पहला जो रो है ना वो सेम रखो, पहला रो नहीं कॉलम क्या कर रहे हैं, सॉरी पहला कॉलम सेम रखो, पहला कॉलम सेम रखते 10 30, दूसरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है 40 और ये नीचे आ रहा है 80, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अभी देखो कितना रहे, 18 into 10 800 -14 into 30 1200, वापस कितना है -400। तो कोई भी एक रो को करने का, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले ही रो को करो, कोई भी एक रो को कर सकते हो आप, कोई भी एक कॉलम को कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने कॉलम को करके देखा, अभी रो को भी करके देखेंगे, राइट, बट कोई भी एक को, सबको नहीं करने का, सारे एलिमेंट्स को नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी एक रो को या कोई भी एक कॉलम को, ठीक है। अब एक कॉलम को करके देखेंगे, चलो सेकंड कॉलम को करके देखते हैं। ऊपर में क्या है 10 20, पहला कॉलम क्या, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कॉलम को करके देख लिया, अभी रो को करते हैं, दूसरे रो को करेंगे, ठीक है, 10 20 हो गया ये, है ना, दूसरा रो क्या 30 40, दूसरा रो इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना रहेगा 60 और 80। चलो करो फिर से, क्या आता है देखो, 10 into 80 800 -16 into 20 1200 कितना रहे -400। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल लो वहां पे हो जाएगा, 3x3 के मैट्रिक्स में वर्क करेगा कि यस, ये जो भी प्रॉपर्टीज हम लिख रहे ये दोनों मैट्रिक्स में वर्क करेंगे, 2x2 के भी और 3x3 के भी, 4x4 में भी वर्क करने वाले अगर आता है आपको तो, बट आपको एक्चुअली 4x4 5x5 ये सब पढ़ने में नहीं है, बट अगर गलती से क्वेश्चन आ गया 4x4 का और प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो यस यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी, ये सब जगह सारे मैट्रिक्स में वर्क करेगा ये। ओके, तो कोई भी रो को या कोई भी कॉलम को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिटरमिनेंट को भी उतने ही वही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, राइट। चलो लिखो ये क्विकली, फटाफट समझो, कोई अगर और ट्राई करना है आपको तो पहले रो वाला ट्राई करो फटाफट, पहला रो चेंज करके देखो जल्दी से। अभी दूसरा रो देख लिया ना हमने,
तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लो, वहां पे दूसरा रो सेम रखो 30 40, पहला रो डबल करो और उसे चेंज कर चेक करो बराबर आ रहे हैं, फटाफट देखो। अभी नेक्स्ट देखना है अपने को, ये तीसरी प्रॉपर्टी दिया, शायद यहां पे नंबरिंग हमने गलत दिया था सेकंड, ये तीसरी प्रॉपर्टी दी है, तीन हो गए हमारे प्रॉपर्टीज। चलो फोर्थ लो, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी रो is added to another row or any column is added to another column, then the value of determinant remains same. Value of determinant remains same. लिखो, if any row is added to another row or any column is added to another column, the value of determinant remains same. ठीक है, लिखो ये. क्या मतलब है इसका? ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है. ये दूसरा कॉलम अगर पहले कॉलम में ऐड कर दो आप, और ये कॉलम अगर सेम रखो, या फिर ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो अगर पहले रो में ऐड कर दो और दूसरा ओरिजिनल सेम रखो, या इसके उल्टा भी हो सकता है, पहला रो दूसरे में ऐड कर दो पहला ओरिजिनल सेम रखो, या फिर पहला कॉलम दूसरे कॉलम में ऐड कर दो पहला सेम रखो ओरिजिनल, या पहला रो दूसरे रो में ऐड कर दो पहला ओरिजिनल वैसे रखो, अगर कुछ भी ये चेंज कर दिया आपने, ये सब और में है, साथ में नहीं करने का, ये सब अलग अलग इससे किया आपने ये कुछ भी, तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू रहेगा सेम, करके देखेंगे। चलो अभी ये दूसरा कॉलम जो है ना वो पहले में ऐड करेंगे हम, दूसरा कॉलम, अभी ये 20 10 में ऐड कर दो कितना आ रहा है, 20 10 में ऐड करेंगे तो 30, ये नीचे 40 30 में ऐड कर दो कितना आ रहा है 70, दूसरा कॉलम रखेंगे सेम 20 और 40, देखो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 40 इंटू 30 1200 माइनस 70 इंटू 20 1400, कितना आया ये माइनस 200, करेक्ट, रिमेन सेम, डिटरमिनेंट रिमेन सेम, बराबर। वैसे अभी रो का लेने का, अभी कॉलम का ले लिया हमने, कॉलम में क्या किया हमने, दूसरे कॉलम को पहले में ऐड कर दिया, रो को क्या करेंगे, पहले रो को दूसरे में ऐड करेंगे, पहले रो को दूसरे में ऐड करेंगे, तो पहला रो तो ओरिजिनल वैसे रहेगा, पहला रो रहेगा 10 20, दूसरा रो क्या रहेगा 10 इसमें ऐड कर दो 40, 20 इसमें ऐड कर दो कितना आ रहे 60, चेक करो कितना आ रहे 60 इंटू 10 600 माइनस 40 इंटू 20 800, कितना आया माइनस 200, समझा गया, दोनों भी करके देख लिया हमने, यहाँ पे कॉलम ऐड कर लिया, यहाँ पे रो ऐड कर लिया, अब वैसे कोई भी रो किसी में ऐड कर दो अब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला दूसरे में करो दूसरा पहले में करो, लेकिन ओरिजिनल एक सेम रखने का, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐड किया ना, यहाँ पे क्या किया अपने 30 और 20 में ऐड किया, तो ये क्या रखे आपने ओरिजिनल है ना, ये वैसे रख लिया ओरिजिनल, यहाँ पे क्या किया आपने 40 और 60 यहाँ पे ऐड कर दिया है ना, यहाँ पे क्या ऐड, तो 10 और 20 कैसे रखे आपने ओरिजिनल, ठीक है ना, इस टाइप से करने का चलेगा।
सिंपल है ना। चलो करो। नेक्स्ट लेते हैं, चार प्रॉपर्टीज हो गए हमारे, पांचवी लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स of one row or one column are split into two numbers, एक रो या एक कॉलम को अपने आपने दो दो नंबर में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। जैसे एडिशन, जैसे ये 10 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 + 5, ये 30, इसको लिख सकते हो आप 10 + 20, 15 + 50, 20 + 10, 5 + 25, कुछ भी, कोई भी दो दो नंबर में आपने उसको स्प्लिट कर दिया और उससे दो मैट्रिक्स बने, ठीक है, एंड फॉर्म टू मैट्रिक्स, देन द एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखो डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं हम, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो, सारे एलिमेंट्स किसके एक रो की, या फिर ऑल द एलिमेंट्स किसके एक कॉलम के, इनको आपने स्प्लिट कर दिया दो नंबर्स के अंदर, कोई भी दो नंबर्स, हाँ, एंड फॉर्म टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपने तैयार किए उससे, देन द एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ दोस टू मैट्रिसेस, उन दो मैट्रिसेस का आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया और वो डिटरमिनेंट को हमने ऐड किया तो ओरिजिनल मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ये लिखना हो गया क्या, लिखो, पहले लिख लो इसको, वापस एक बार डिक्टेट करूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स, कहीं पे भी रह गया होगा तो लिखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम आर स्प्लिट इनटू टू नंबर्स एंड फॉर्म्ड टू मैट्रिसेस, देन The addition of determinants of these two matrices is equal to determinant of original matrix. ठीक है, चलो देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ओके। दूसरा जो कॉलम है सेम रखेंगे हम दोनों में भी, 20 40 सेम रखेंगे, सेम 20 40 20 40। पहला जो कॉलम है इसको स्प्लिट कर दो, अब ये 10 को अपन लिख सकते हैं 5 + 5, लिख सकते कि नहीं, तो यहां पे मैं लिखता हूं 5, इधर लिख दिया मैंने 5, ये दूसरा मैट्रिक्स। ये 30 को लिख सकते हैं हम 15 + 50 या 10 + 20, कुछ भी, ऐसा इक्वली दो पार्ट गिराना जरूरी नहीं, कुछ भी लिख सकते, 10 + 20 भी लिख सकते हैं आप, तो लिखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। चलो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, ये एक दो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना है, देखो 40 × 5 कितना था, 200, करेक्ट, 40 × 5 200 माइनस 20 × 10 200, ये तो आ गया 0। यहां पे देखो कितना है, 40 × 5 200 माइनस 20 × 20 400, कितना आया बच्चों, ये माइनस 200 और ये 0 आया ना, ये 0,
माइनस 200 और जीरो कितना आ रहेगा हमारा, माइनस 200 आएगी नहीं आए, करेक्ट। कुछ नंबर चेंज करके देख सकते हैं क्या हम, जरूर देख सकते हैं। इसको मिटाते हैं, आपको लगा कि ये पांच पांच ऐसा नहीं करना, अपने को 6-4 ये इसके स्प्लिट करने हैं, 10 का क्या स्प्लिट करने, 6 और 4 कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे करो 6, यहाँ पे करो 4, या उल्टा भी यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 भी करते तो भी चल जाता, कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कितना आ रहा है, 6 × 40 240 है ना, माइनस 20 × 10 = 200 कितना आया ये, 40, पॉजिटिव 400 आया, बराबर। यहाँ पे करो कितना रहे, 40 × 4 160, माइनस 20 × 20 400 कितना रहे, -240, -240 +40 कितना रहे, -200 देखा, यह -200 समझा, -200 आ गया, ये 40 प्लस है, ये -240 है, -240 +40 -200। चलो और कुछ चेंज करते हैं इसके अंदर, करूं मिटाओ इसको। आपने सोचा ये वाला एलिमेंट चेंज करेंगे, अभी ये बोर हो गया हमको 10-20 के साथ, 15-15 लेके देखेंगे क्या होता है, चलो वो भी ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, यहाँ पे लिखता हूँ 15, 15 और 15 कितने हो गए, 30 है ना, ये 30 हो रहे ना, देखो कितना रहे, 6 × 4 = 240 -20 × 15 -300 कितना रहे, 140, पॉजिटिव 140 आया, +140 ये देखो कितना रहे, 40 × 4 160, माइनस 15 × 20 15 × 20 15/20 15/20 माइनस 300 है ना, तो कितना आ रहा है ये, -140। अरे ये तो जीरो कैसे आ रहा है, कुछ गलती हो गया यहाँ पे, ये कैसे नहीं आ रहे। अच्छा सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, 240 -300 140 कैसे कर दिया इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पहले रह गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक, 240 -300 कितना, -60 आ रहा है ना ये, हाँ ये -60 और ये -140 कितना आ रहा है, -200। मैं वही बोला प्रॉपर्टी कैसे क्या गलत हो गई, समझा गया, 240 -300 -60, 160 -300 -140 कितना है, -200 करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा आप कोई भी एलिमेंट कुछ किसी को भी स्प्लिट कर लो, और मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बनाओ, जैसे यहाँ पे हमने एक पहले कॉलम को किया, आप दूसरे कॉलम को कर सकते हो, पहले रो को दूसरे रो को, किसी को भी स्प्लिट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये वर्क कर लेगा। ओके अभी किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर अगर हमने हर एक एलिमेंट को अगर स्प्लिट कर दिया, हर एक एलिमेंट को, तो चलेगा क्या, हर एक एलिमेंट को स्प्लिट कर दिया, मान लो ये दोनों, जैसे यहाँ पे अभी एक रो को एक कॉलम को करें, वैसे हर एक एलिमेंट को स्प्लिट किया तो चलेगा क्या, चलो ट्राई करके देखते, डाउट आया ना सॉल्व करने का, ठीक है चलो ट्राई करेंगे। चलो अब ये 10 को हम लिख सकते हैं 5 + 5 है ना, ये दो यहाँ पे, ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे और यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है चलो। अब ये 10 को लिख रहे हैं हम 5 + 5, ओके, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5, ये 20 को लिखेंगे 5 + 15, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ 15,
ये 30 को हम लिखते हैं 10 प्लस 20, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20। ये 40 को लिख रहा हूँ मैं 30 और 10, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10। ठीक है, सिंपली स्प्लिट कर दिया हमने, ये 10 को 5 5, तो इधर 5 आया, इधर 5 आया। ये 20 को हमने स्प्लिट किया 5 और 15 में, तो ये 5 और ये 15। वैसे उल्टा भी करते चल जाता, यहाँ पे 15 वहाँ पे 5 भी चल जाता था। ये 30 को हमने स्प्लिट किया 10 प्लस 20, तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 20 आया। ये 40 को स्प्लिट किया हमने 30 और 10 में। चलो कैलकुलेट करो डिटरमिनेंट और चेक करो कि क्या हो क्या रहा है। देखो 30 इंटू 5 150 माइनस 10 इंटू 5 50, कितना आया ये? ये आया 100। ये कितना आ रहा है देखो, 5 इंटू 10 50 माइनस 20 इंटू 15, कितना आता है? 300। बराबर 50 माइनस 300 माइनस 250 माइनस 250, और ये 100। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लो सर। 30 5 जा 150, 10 5 जा माइनस 50, ये पॉजिटिव 100 तो करेक्ट आया। यहाँ पे 5 10 जा 50, 15 2 जा माइनस 300, ये कितना आ रहा है? -250। तो इसका सम कितना आ रहा है बच्चों? -150। करेक्ट, कितना आ रहा है? -150। तो ये -150 नहीं हो रहा है ना मैच, तो इसका मतलब अगर सारे एलिमेंट को अगर आप स्प्लिट कर दो तो फिर वो इक्वल आएगा, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस बनता है वन रो या वन कॉलम को। अभी आप अपने हिसाब से ट्राई करके देख लो, सारे एलिमेंट्स चेंज करके अपने हिसाब से, अगर आपको आ रहा है इक्वल तो फिर मुझे बताओ। करेक्ट, आपको भी थोड़ा सा फूड फॉर थॉट रहेगा कि कैसे आता है क्या नहीं, आपको भी कुछ मैकेनिज्म बैठ जाएगा दिमाग में। तो आप इसको स्प्लिट करके देख लो, अगर कहीं पे आ रहा है आपका इक्वल, ऐसा लकीली नहीं है, लकीली नहीं कि एक हर सिचुएशन में लकीली हो सकता है, बट ऐसा एक रूल की जैसा हो गया कि आपको कोई भी एलिमेंट स्प्लिट कर लो, कुछ तो भी रूल आप बना पा रहे हो, तो प्लीज मुझे बताओ, फिर हम वो इंस्टेंट को भी बताएंगे। राइट, अगर सही आ रहा है आपका तो। करेक्ट, चलो इसको मिटाते हैं। अभी दो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट दो जो है वो एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है इफ टू रोज आर प्रोपोर्शनल और टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, then value of determinant is zero. If two rows are proportional or two columns are proportional, then value of determinant is zero. ऐसा बोलते, देखते try करके। यहाँ पे ये original matrix का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे दूसरा matrix अपने को बनाना पड़ेगा। मान लो दो रोज मुझे प्रोपोर्शनल बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 और 20। प्रोपोर्शन के लिए मैं दूसरा रो मल्टीप्लाइड बाय 3 ले लेता हूँ, जैसे 3 इंटू 10 आ जाएगा 30, 3 इंटू 20 आ जाएगा 60। तो ये दो रोज अभी प्रोपोर्शनल हो गए है ना, ये एलिमेंट को मल्टीप्लाइड बाय 3 करो 10 को तो ये 30 आएगा, 20 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 60 आएगा। तो पहला रो इंटू 3 बोले तो दूसरा रो, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल। देखते हैं वैल्यू जीरो आती है क्या। 10 इंटू 60 600 माइनस 30 इंटू 20 600 इज इक्वल टू जीरो। राइट, अभी और एक चीज हो गई यहाँ पे, गलती से ऐसा हो गया कि ये जो कॉलम्स है ना ये भी प्रोपोर्शनल हो गए। देखो 10 इंटू 2 20 30 इंटू 2 60, बट जरूरी नहीं कि ये भी प्रोपोर्शनल रहना, ये जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने अगर ले लिया 35। ओके, अभी इसको प्रोपोर्शनल बनाने के लिए 3 गुना करें ना, मतलब 35 इंटू 3 कितना आ रहा है? 105।
तो देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, रो को चाहते हो कि आप प्रोपोर्शनल बनाए, बट ऑटोमेटिकली आपके कॉलम्स भी प्रोपोर्शनल बने रहे, है ना, ऑटोमेटिकली हो रहे, गलती से हो रहे, बट हो रहे हैं ना, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप 30 लेते तो यहाँ पे 90 आता, यहाँ पे 40 लेते यहाँ पे 120 आता, समझ आ रहा है? तो ऑटोमेटिकली हो जा रहे हो, कर नहीं रहे हो आप, लकीली हो रहे हो, राइट, ऑटोमेटिकली, लकीली भी नहीं बोल सकते, ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे आपने 30 ले लिया, आपको कॉलम करना ही नहीं है प्रोपोर्शनल, कॉलम नहीं करना चाहते हो आप प्रोपोर्शनल, आप रो करना चाहते हो, ठीक है। तो ये रो है पहला, 10 30, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 3 30, 30 × 3 90, ऑटोमेटिकली देखो क्या हो गया, आपके कॉलम भी प्रोपोर्शनल हो गए ऑटोमेटिकली। ये 10 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 आया, समझ रहे हैं आपको? डबल करके देखो, 10 × 2 20, 30 × 2 60, देखो फिर से 10 3 30, 20 3 60, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। ओके चलो, तो ये अगर हो भी गया ऐसा, कुछ भी अगर है प्रोपोर्शनल, आपका कोई भी रो, एनी टू रोज आर प्रोपोर्शनल और टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, अगर ऐसा है, ये भी एग्जांपल में देख लो, 16 × 10 600 माइनस, अच्छा ये तो देख ही लिया था शायद हमने, दूसरा लेते हैं कुछ, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 20, 5 से मल्टीप्लाई करो, 550, और ये आएगा 100, 50 और 100, ये 100 है, ये है 100, तो क्या आएगा, 100 × 10 1000 −20 × 50 1000 इज इक्वल टू 0, समझा क्या, 1000 − 1000 0 आ गया। तो ये अगर आपका कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर क्या बोलते हैं उसको प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हो रहा है। अगर आप ये 3 × 3 में भी करोगे तो भी होगा, कोई भी दो रोज 3 × 3 के कोई भी दो रोज प्रोपोर्शनल है, कोई भी दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल है, द आंसर विल बी 0, ठीक है। इसके बाद की एक सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है। अच्छा पहले ये लिखना हो गया था क्या आपका, लिख लो इसको, कोई भी एग्जांपल बना के लिखो इसको, सिर्फ प्रोपोर्शनल बनाना है। ओके ये पहले लिख लो, मिटा दो, दूसरा देखो ये 6 प्रॉपर्टी चल रही है, शायद नंबरिंग आप देख लो बराबर जो चल रही हो। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम आर 0, देन डिटर्मिनेंट इज 0। कैसे क्या? अब 2 × 2 में तो बहुत सिंपल है, कुछ भी करने का काम ही नहीं। जैसे देखो 0 0 10 20, क्या आएगा, 20 × 0 0 −10 × 0 0, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक कॉलम को 0 पकड़ा था, यहाँ पे रो को पकड़ते, 0 0 10 20, क्या आ रहा है, 20 × 0 0 −10 × 0 0 इज इक्वल टू 0। तो 2 × 2 में तो बहुत सिंपल है, 3 × 3 भी करके देख लेंगे, इतना सिंपल है नहीं। ये कर लिया, ये लिख लो आप फटाफट, मैं 3 × 3 का लिखता हूँ अभी। ओके देखो, पहले रो पकड़ते हैं, 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, क्या रहे, 0 × ब्रैकेट, ये 0 × ब्रैकेट, 6 × 2 = 12 −5 × 3 = 15, 12 − 15, बढ़िया आएगा तो 0 ही, यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस 0 × ब्रैकेट, अभी कुछ भी कर लो 0 आएगा ना, कुछ भी लिख लो इसके अंदर, प्लस ये वाला 0 × ब्रैकेट, कुछ भी लिख लो आंसर तो 0 आएगा, फिर 0 − 0 + 0 0, आंसर क्या है, 0। अभी यहाँ पे हमने रो पकड़ा था 0, एक कॉलम पकड़ के देखते हैं 0, करेक्ट, हो गया ये, समझ गया, ये लिखने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली। एक कॉलम 0 करते सबसे पहला वाला, 0 0 0 ये लिख लो, ये थोड़ा सा अलग है, आंसर तो 0 आएगा बट कैसे आएगा वो देख लो अच्छे से। अब देखो ये 0 है, ये 0 × ब्रैकेट में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये 0 आएगा, माइनस ये 1 क्या आएगा, माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, तो -1 × ब्रैकेट क्या आएगा, ये
ये वाला रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, क्या बच रहा है? 0640, तो 0 × 6 माइनस 0 × 4, 0 × 6 माइनस 0 × 4, अंदर 0 है, ये प्लस 2। ये वाला रो और कॉलम पूरा हटा दो, मिटा दो, क्या आ जाएगी? 0 × 5 माइनस 3 × 0, 0 × 5 माइनस 3 ×, क्या आता है ये तो 0 आएगा, माइनस, ये देखो 0 × 6 0, माइनस 0 × 4 0, 0 माइनस 0 0, माइनस 1 × 0 0, तो 0 माइनस 0 0, प्लस यहाँ पे 0 × 5 0, 3 × 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 × 2 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 0। तो ऐसे आपने अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर 0 पकड़ा तो आंसर क्या आएगा आपका? 0। ओके लिखो, और कोई कॉलम ट्राई करके देख लो, इसमें 3x3 मैट्रिक्स में और कोई कॉलम ट्राई करके देख लो, ठीक है? यहाँ पे जैसे हमने पहला कॉलम देखा था, कोई दूसरा कॉलम ट्राई करके देख लो, वन टू थ्री जीरो 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 फोर फाइव सिक्स, इसको ट्राई करो, चलो फटाफट देखो 0 आ जाएगी। आगे गए भी 0, देखो कैसे साइन निकला है पे, प्लस माइनस प्लस प्लस, 1 × ब्रैकेट कितना है 0 × 6 0 माइनस 0 × 5 0, तो 0 आएगा, माइनस 0 तो ये ब्रैकेट में कुछ भी रहने दो 0 आएगा, प्लस 4 × ब्रैकेट ये होगा, है ना? तो यहाँ पे 2 × 0 0 माइनस 3 × 0 0, कितना है 0, तो 0 0 0 करेंगे तो 0। तो कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो अगर 0 है तो सारे के सारे, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी आ गया, एक कोई भी पूरा रो और कोई भी पूरा कॉलम अगर 0 है तो ये 0 आना चाहिए। ये क्रॉस पे वर्क करेगा, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ लिखा आपने 1 2 3 4 0 0 जीरो फाइव जीरो, 4 बार 0 आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा ये जरूरी नहीं है, लकीली कभी आया तो आ सकता है। द लॉ इज कि पूरा का पूरा कॉलम, ये सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, कोई भी कॉलम, पहला दूसरा तीसरा कॉलम 0 होना चाहिए, पहला रो या फिर दूसरा रो या तीसरा रो 0 होना चाहिए, करेक्ट? तो सर पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम 0 होना चाहिए, तो अभी ये क्या बोलते हैं इसको अपन, 0। सो वी आर डन विद दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके मेजर पार्ट हमारा हो चुका है, यहाँ पे कुछ 2-3 मिसलिनियस चीज़ें बाकी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी खत्म कर दिया। ओके चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।